सरिता, मेरे उपभोक्ता से मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं दोबारा से, कि बाकी एक बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है कि हमें बहुत बाकी शारीरिक पेन आ रहा है, लाइक जो लेग में पेन जाता है, तो उसके लिए आज मैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बता सकती हूँ कि जिससे आपको पेन में भी आराम मिलेगा और जो आपके लेग में जो शारीरिक पेन जा रहा है उसमें भी आराम मिलेगा, आपके बैक में भी आराम मिलेगा। मैं ये एक्सरसाइजेज जो स्टार्ट करने वाली हूँ आपको प्लीज़ उसको उसी सीक्वेंस में करना है, उसका सीक्वेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस कहीं से भी कुछ भी चेंज करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देने के बजाय वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे को अगर कोई भी एक्सरसाइज करनी है, कोई भी आसन करना है, किसी भी तरीके की कुछ भी हमें अगर लगता है कि बॉडी के अंदर कुछ भी हमें कोई एक्सरसाइज करनी है या कोई आसन करना है या कोई स्ट्रेचिंग करनी है, तो बॉडी आपकी प्रॉपर वार्म होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जिसको बोला जाता है लाई डाउन ताड़ आसन। पहला आसन मैं शुरू करवाती हूँ। इस प्रकार हम एक मैट लेंगे और उस पर लेट जाएंगे। पैरों में आपके हल्का सा गैप रहेगा लाइक 12 इंचेस का, और हाथ बिल्कुल पीछे स्ट्रेच रहेंगे हाथ आपके इस तरीके से। आपको अपने जैसे ऑल्टरनेट लेग और ऑल्टरनेट हैंड्स को स्ट्रेच करना है, और आपका जो ऑल्टरनेट जो दूसरा पैर और जो दूसरा आपका हाथ होगा वो आपका रिलैक्स रहेगा। तो आपने ऐसे ये और ये हैंड स्ट्रेच किया, उसके बाद चेंज 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 इस तरह से स्ट्रेच करना है। उसके बाद बोथ लेग्स एंड बोथ हैंड स्ट्रेच एंड रिलीज, अगेन स्ट्रेच रिलीज स्ट्रेच रिलीज। ये आपको कम से कम 6 to 7 या कह सकते हैं 8 times करना है। इससे होगा ये कि आपकी स्पाइन में एक वार्मनेस आएगी और आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा वार्म होगा, तो बाकी जब आप कोई भी आसन करेंगे तो आपको उसके लिए ईजी रहेगा। अब आपको जो दूसरी एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक प्रॉप चाहिए होगा जो आपको किसी भी मार्केट में लेकर आपको मिल सकता है। ये प्रॉप्स आपको मार्केट में भी मिल सकते हैं। आपको इसको यहाँ पे सेट करना है, अपने पैर के इस एरिया पे सेट करना है इस तरह से, और हाथ आपके नीचे इस तरह ज़मीन पर लगे रहेंगे, गोलियाँ आपकी ज़मीन पर लगे रहेंगी। इनहेल करते हुए आपको अपने लेग को बहुत धीरे धीरे आराम से उठाना है, और जहाँ आपको लगे कि पेन आ रहा है स्पाइन में वहीं पर आप इसको रोक देंगे, और फिर आप नॉर्मल ब्रीथ करेंगे कम से कम 3 to 4 times एंड सिंपल। फिर इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली डाउन। उसी तरीके से आप दूसरे तरह से भी करेंगे, उसको हल्के हल्के धीरे धीरे उठाना स्टार्ट करेंगे अपनी सांस को लेते हुए। जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएंगे और धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको डाउन लेते जाएंगे। स्लो जितना स्लो हो सके उतना स्लो लेके जाएंगे, झटके के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद दूसरा है इसको लाई डाउन स्पाइनल ट्विस्ट भी बोला जाता है। पैर को इस तरीके से या तो घुटने पर रख लीजिए या नीचे रख सकते हैं। जैसे जैसे आपका ये पार्ट स्ट्रेच होगा मूव करेगा, आपका जो अपर पार्ट है वो भी मूव करेगा, लेकिन उतना ही मूव करना है जितना आपको लगता है आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर पा रही है। पेन जहाँ पर आपको आप वहीं पर रोक देंगे, धीरे से इसको अपने पैर को या तो यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे जहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है, और धीरे धीरे इसको इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए वापस, ये भी आप 6 to 7 times करेंगे या 8 times कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से अपने पैरों को इस तरीके से पैरों के बीच में इतना गैप रहेगा, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहेगी, पैरों को बहुत पीछे नहीं लेके आना है। इसमें पैर आपके इस पोजिशन में रहेंगे, स्पाइन में कोई कर्व नहीं आना चाहिए, स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहेगी जब आप इसने पेल्विक रीजन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इनहेल करते हुए इनहेल अप, एक्सरसाइज करेंगे ये आपकी स्ट्रेट। उसके बाद अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेट करेंगे, दोबारा से अपने हाथों को इस तरह से पीछे लेके जाएंगे, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करेंगे, रिलीज एंड स्ट्रेच एंड रिलीज। लेफ्ट साइड टर्न करते हुए पेट के बल आएंगे, बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहेगी आपकी, हाथ आप
आपके इस तरीके से जमीन के साथ लगे रहेंगे, एड़ी पंजे एक साथ। इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बहुत ज्यादा अपने आपको खींचने की कोशिश नहीं करनी, जहां तक आप उठा सकते वहीं पर उठाएंगे। अगर आपके हाथ यहाँ सेट होते हैं तो यहाँ पे करते हुए आप इसको अच्छे से उठाते, फिर कुछ टाइम के लिए आप इसको ब्रीथ को अपना तीन चार बार लंबी गहरी सांसें लेंगे और स्लोली डाउन। उसके बाद आपका नेक्स्ट आसन आता है मार्जरी आसन। पैरों में आपके कंधे जितना ही गैप रहेगा, हाथों के बीच में उतना ही गैप रहेगा, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहेगी, शोल्डर्स हमेशा रोल करके ये पार्ट आपका बिल्कुल एक लाइन में आना चाहिए। उसके बाद बहुत धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बैक पेन है तो आप बहुत ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो इनहेल एंड एक्सहेल, बिल्कुल कर नहीं लेके आना, जितना आप जितनी सहजता के साथ आ सकते हैं उतनी ही सहजता के साथ लेकर आएंगे। उसके बाद उठ के खड़े होंगे, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेके आएंगे, पैरों में हल्का सा गैप रहेगा, कंधे पीछे की ओर, हाथ बिल्कुल थाइस के साथ चिपके हुए, पेट को अंदर खींचेंगे, लेकिन ब्रीथ किसी भी आसन में आपको अपने नहीं रोकनी है। हर एक आसन में आपको ब्रीथ आप लेते रहेंगे, कंधे पीछे खींचे, पेट को बिल्कुल अंदर किया, जो आपका पेल्विक रीजन है उसको हल्का सा बाहर की तरफ करना है। एनल को उसके बाद स्क्वीज करेंगे इस तरीके से, कंधे पीछे एंड होल्ड, ब्रीथ इसमें लेते रहना है, सांसों में से होल्डिंग करनी है आपको। और अपने जो आपके ये लंबर पार्ट होता है, ये जो पार्ट है जो सैक्रम है आपका प्लस आपका लंबर पार्ट, इस पर आपको फील करना है, फ्लो फील होगा। जैसे आप कंधे पीछे करेंगे आपका पेट अंदर होगा, पेल्विक हल्का भार होगा, एनल स्क्वीज होगा, नीज ऊपर की तरफ टकिन, नीज को ऊपर की तरफ खींचना है, उसको स्ट्रेट करना है, नीज को, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और धीरे 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 इसमें अपने हाथों को आर्मपिट से खींचते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है। और जितनी स्लोली हम करते हैं उतनी ही स्लो तरीके से हम अपनी बॉडी को अपने हाथों से स्लोली रिलैक्स करते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे, हल्का पैर के बीच में गैप करेंगे, उंगलियों को थोड़ा इंटरलॉक करेंगे, इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों पर हल्के से अपनी एड़ी को उठाएंगे, एंड होल्ड, कोशिश करी है लेकिन मेरी ब्रीथ में ले रही हूं, मैंने सिर्फ आसन को होल्ड किया है, स्लोली फिर डाउन किया, ब्रीथ को नहीं रोकना है। जब तक ना बोला जाए तब तक आप ब्रीथ को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर आप ब्रीथ रोकते हैं तो वो उल्टा असर करेगा, बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी आपके इंटरनल ऑर्गन्स में। योग में कहीं पर ब्रीथ रोकी जाती है, बट वो बहुत डिफरेंट पार्ट है। अभी ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको अपनी ब्रीथ रोकनी पड़े। और खाने पीने में आपको चेंज करना होगा, बैक का मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपका वेट का प्रॉब्लम ज़रूर होगा। अगर आपका बेली फैट ज़्यादा है ऑटोमेटिकली आपके बैक पे इशू आ ही रहा होगा, तो आपको अपना वेट कम करना है, वॉक के थ्रू आपको डाइट करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे कि आपकी स्पाइन हेल्दी हो, लाइक काले चने का पानी आप चनों को भिगा दीजिए सुबह, उसमें हल्का सा हल्दी नमक मिर्च और थोड़ा सा घी डालकर उसको उबाल लीजिए और उस पानी को पीजिए, और उससे आपको बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि काले जो चने होते हैं उनमें बहुत ताकत होती है, तो वो आपकी हड्डियों को और मजबूत करेंगे। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा एक हेल्थ टिप्स मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे,
आप मुझे उस पर भी अपना नंबर अगर आप सेंड करेंगे तो मैं आपको ऐड करती जाऊंगी। उसमें मैं टाइम टू टाइम हर एक डिजीज़ को लेकर या जो भी आपके वेट से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं उस रिलेटेड मैं उसमें वीडियोज़ उसमें आपकी अपडेट करती रहती हूँ। प्लस अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्वेरीज होती हैं तो उसके लिए भी मैं उसमें अपडेशन करती रहती हूँ। और बाकी कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कह सकती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट पे ध्यान रखिए, अपने पूरी बॉडी को समझना शुरू कीजिए कि जब बॉडी पेन में आती है तो कहीं ना कहीं बॉडी आपको साइन देती है कि प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो प्लीज़ उसको सुनिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। हरिओम।